जी क्वेश्चन नंबर 20 है साइन स्केयर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इक्वल है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखें जरा, अब इसमें हमारे पास मोड कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है? मोड कॉम्प्लेक्स साइड रकबे के लिहाज से तो राइट हैंड साइड है, लेकिन हम सोल्व करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड के तरीके से। सबसे पहले रफ वर्क में देखें जरा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, फार्मूला याद आया क्यूब का? क्या है भला? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखें जरा, अगर हम क्या करें, साइन हमारे पास क्या है ए, कोस हमारे पास क्या होगा बी। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइन विल ए एंड कोस विल बी। क्लियर? अब देखें ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह क्या आएगा भला? हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे देखें जरा, ए की क्यूब है, ए इज साइन ए का स्केयर है। अब हमारे पास साइन का स्केयर आ जाएगा इधर, साइन स्केयर थीटा प्लस ए इंटू बी इज कोस थीटा प्लस बी हमारे पास क्या है कोस स्केयर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जरा, अब हमने करना क्या था? लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना था राइट हैंड साइड से। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखें जरा साइन थीटा भी आ गया कोस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया कोस थीटा भी आ गया, रह क्या गया? वन प्रूफ करना है। अब जरा इस इक्वेशन को देखें, बताएं जरा वन कैसे आता है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल बाय 1। राइटिंग तो साफ होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम एक जगह पे लिख लें तो कोई हर्ज नहीं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड की। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन की बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ये सिर्फ मैंने आपको उस क्वेश्चन को समझाने के लिए किया बस, कि सिंपल पहले फार्मूला लगाइएगा, फिर फार्मूला लगाकर जो लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ये सिंपल जस्ट 21 के लिए था। अब 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इज इक्वल बाय साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। अब देखें, अब हमारे पास क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स साइड। देखें जरा, मोर कॉम्प्लेक्स साइड जो है हमारे पास ये वाली है, सिर्फ रकबे के लिहाज से। लेकिन राइट हैंड साइड को देखा जाए वो ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स साइड है, तो हम यूज करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा को इक्वल करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ चुकी है। आप देखें, सबसे पहले रफ वर्क लाजमी किया करें बच्चों। रफ वर्क करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ हमारे पास रह गई है, क्या नहीं रह गया। राइट हैंड साइड रफ वर्क लाजमी किया करें। आपके जब एग्जाम्स में किया करें तो या तो अपने शीट्स की बैक पेज पे रफ वर्क किया करें, या छोटा सा मार्क मार्जिन यूज करके ना रफ वर्क लाजमी किया करें। अब देखें साइन 6 थीटा माइनस को 6 थीटा का फार्मूला आया है, मैथमेटिक्स में इसका कोई फार्मूला अभी तक आजाद नहीं हुआ। हमारे पास कौन से फार्मूले आजाद हुए हैं फिलहाल? स्केयर के, क्यूब के, ठीक है। अब इसको हमें या तो स्केयर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे? आप देखें एक वैल्यू है हमारे पास a स्केयर की क्यूब माइनस b स्केयर की क्यूब। या तो इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को हम a की क्यूब का स्केयर माइनस b स्केयर की b स्केयर का क्यूब कर सकते हैं, b क्यूब का स्केयर कर सकते हैं। या तो फिर इस तरह कर सकते हैं a स्केयर की क्यूब माइनस b स्केयर की क्यूब, इस तरह कर सकते हैं क्योंकि दोनों फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। साइन 6 पड़ा हुआ है, दोनों तरीकों से आ सकता है। कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करें? पहले वाला ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। पहले वाले का हमारे पास फार्मूला क्या है? a स्केयर की क्यूब माइनस b स्केयर की क्यूब। अगर हम इसको सिंपल फार्मूले के सेंस में लिखें, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब देखें ज़रा, अगर हम कंसीडर कर लें साइन 6 थीटा माइनस को 6 थीटा को साइन स्केयर की क्यूब माइनस कोस स्केयर की क्यूब एंड थीटा। देखें जरा, साइन स्केयर की क्यूब माइनस कोस स्केयर की क्यूब। अब आगे क्या होगा? अब आगे देखें जरा, फार्मूला ओपन करेंगे। यहां पे हम लेट कर लेते हैं a इज साइन स्केयर थीटा एंड b इज कोस स्केयर थीटा। क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, a इज साइन स्केयर थीटा माइनस कोस इज कोस स्केयर थीटा। a माइनस बी, a इज साइन स्केयर थीटा, b इज कोस स्केयर थीटा। a स्केयर मीन्स साइन स्केयर थीटा स्केयर, a इज साइन स्केयर थीटा और ये जो स्केयर है ये a का स्केयर प्लस a इज साइन स्केयर थीटा इंटू b इज कोस स्केयर थीटा प्लस b इज कोस स्केयर थीटा लेकिन b का स्केयर है, इधर भी आएगा स्केयर। अब देखें ज़रा, इस फार्मूले को अब हम आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखें। अब हमें देखें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लाजमी आपने अपने माइंड में रखना है। राइट हैंड साइड में देखें जरा हमारे पास क्या क्या चीज़ आ चुकी है। राइट हैंड साइड को देखें जरा, साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा आ चुका है। अब आपने इसको टच भी नहीं करना। इसके बाद कोस स्केयर थीटा भी आ चुका है, साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा भी आ चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या पढ़े हुए अभी? साइन स्केयर थीटा का स्केयर, कोस स्केयर थीटा का स्केयर, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या पड़ी हुई हैं? एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। अगर हम इसको एक साइड पे लेके आते हैं, सबसे पहले साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा, अगर हम इनको एक साइड पे लेके आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्केयर थीटा का स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटे का स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। देखें ज़रा आगे क्या होगा। आप देखें ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, ये भी चीज़ आ चुकी है। अब हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि 1 हो और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आए। अब वो क्या करेंगे? देखें जरा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन स्केयर थीटे का होल स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटे का कोस स्केयर थीटे का स्केयर, ये दो आइडेंटिटीज पड़ी हुई हैं। अब अगर हम कहते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी में साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल बाय 1 है, पाइथागोरस आइडेंटिटी में ये आइडेंटिटी प्रूव है। अब देखें अगर हम इन दोनों का टेकिंग स्केल लेते हैं बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखें जरा, प्लस कोस स्केयर थीटे का होल स्केयर इक्वल बाय 1 का स्केयर। अब देखें a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला ओपन किया, साइन स्केयर थीटे का स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा का स्केयर प्लस 2 a b इज इक्वल बाय 1 आ गया। अब देखें जरा, अब अगर इस आइडेंटिटी को मजीद अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 to the 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्केयर थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल बाय 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्केयर थीटे का होल स्केयर यहाँ की 2 to the power 4 बन सकती है, हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जी यहाँ पे हमारे पास था साइन स्केयर थीटे का स्केयर कोस स्केयर थीटे का स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। अब देखें जो आइडेंटिटीज का हमने स्केल लिया था वो हमारे पास कुछ इस तरह आ गया था, ये वाली वैल्यूज हमारे पास कुछ आ गई थी। अब देखें अब अगर हम इसको मजीद सोल्व करें 2 to the 4 प्लस कोस 2 to the 4 थीटा प्लस इस वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिखा रहने देते हैं, कोस स्केयर थीटा आ गया इंटू साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। आप देखें जरा ये जो आइडेंटिटी है क्या इस आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, देखें जरा एक मिनट क्या चीज एक्स्ट्रा है। साइन स्केयर थीटा यहाँ पे है 2 साइन स्केयर थीटा, इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस प्लस 2 साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। अब देखें जरा अगर अब हम ऐसा करें कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाए, बाकी तो हमने वो आइडेंटिटीज यूज़ की है, अब हमें चाहिए कुछ इस तरह का वैल्यू, हमारे पास क्या आएगा भला। अगर हम इसमें से माइनस करवा देते हैं साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। अब देखें ज़रा जब हम इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने क्या करना है सिर्फ उसको माइनस करवाना है, ठीक है। अब देखें आगे साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा, इधर देखें कोस स्केयर थीटा कोस साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा माइनस। आप देखें ज़रा इतनी वैल्यू आ गई है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू फिर होगी इसके बराबर 1 के, तो हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू कोस स्केयर थीटा। क्लियर है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाहौर बोर्ड के लिहाज से, फैसलाबाद मुल्तान सब के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ 22।